नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच का पंच। मैं हूं श्वेता सिंह। आज योगी आदित्यनाथ ने बस चंद मिनटों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जमकर कोसा है पिछली सरकार को और अपनी सरकार के कामकाज पर श्वेत पत्र पेश किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच का पंच। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम आपको बताएंगे न सिर्फ क्या कुछ योगी ने कहा, क्या कुछ कोर्ट से खबर आई, लेकिन इसी के साथ कैसे रोहिंग्या मुसलमान, यानी वही मुसलमान जो म्यांमार विदेशी मुसलमान जिन्हें हम कह रहे हैं, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये हलफनामा में केंद्र सरकार ने कह दिया है कोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। आप देख रहे हैं पांच का पंच और आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे प्रद्युम्न की मौत के बाद 10 दिन बाद स्कूल खुला है, लेकिन वहां के बच्चों में दहशत और खौफ का माहौल है और साथ ही बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रहे। कई ऐसे अभिभावक हैं जो बच्चों को स्कूल से भी हटाने की दलील दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां अभी सब कुछ ठीक नहीं है। नमस्कार, गुड इवनिंग, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। राम रहीम सलाखों के पीछे है लेकिन हनीप्रीत बाहर है। हनीप्रीत को लेकर नए सुराग मिले हैं, नेपाल में मौजूद है। हमारी टीम नेपाल पहुंची, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको उस पर दिखाएंगे, लेकिन खबरें और भी होंगी और आज प्रीति हमारे साथ जुड़ी है बुलेटिन में। तो प्रीति, क्या खास आप दिखाने वाली हैं आज? नमस्कार, मैं हूं प्रीति चौधरी और आज हम दिखाएंगे मार्शल एयरफोर्स इंडियन फोर्स के अर्जुन सिंह को पूरे देश के भव्य विदाई दी, एक राजकीय सम्मान के साथ उनको आज विदा किया गया। तो ये तमाम खबरें होंगी लेकिन शुरुआत उसी खबर से, यानी योगी आदित्यनाथ का जो अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। आए तेवर बहुत उनके तेज तर्रार थे और खुलकर उन्होंने पिछली सरकार के कामकाज को कोसा है। उन्होंने पिछली कामकाज सरकार के कामकाज पर श्वेत पत्र पेश किया है, कहा है बहुत सारे कारनामे थे, काम नहीं था, कारनामे थे उनके। 3% सिर्फ विकास की तरफ उन्होंने खर्च किया है पिछली सरकार ने, उन्होंने अपनी तरफ से ये बताया। और साथ ही जो योगी सरकार ने पिछले 6 महीनों में कामकाज किया है उसका पूरा पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा है कि जनता को पूरा पूरा अधिकार है कि वो जाने कि क्या काम किया है सरकार ने। लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पर दिलचस्प ये लग रहा था कि उन्होंने पिछली सरकार की नाकामी के बारे में इतनी सारी बातें कही मानो 6 महीने पहले के वो चुनाव प्रचार का दौर चल रहा हो, लेकिन जन विरोधी, गैर जिम्मेदार और भ्रष्ट सरकार कहते हुए समाजवादी पार्टी को उन्होंने कहा कि सरकारी उपक्रमों में 91,000 करोड़ का घाटा हुआ है। पिछली सरकार के जितने भी खर्च थे वो गैर जरूरी, योगी आदित्यनाथ ने बताया। सुनिए क्या कहा। पिछली सरकारों ने विकास के कार्यों में व्यय होने वाले मद को कम करके उसको 3% के आसपास रखा, यानी विकास के कार्यों को ठप करके, यानी अपने फिजूल खर्ची, अपने भ्रष्टाचार और अनावश्यक जो योजनाएं जिनका लोक कल्याण से, जन कल्याण से, प्रदेश के विकास से मतलब नहीं था, उनमें कमी नहीं की, विकास की योजनाओं में कमी की, भ्रष्टाचार को अंकुश नहीं लगाया, प्रदेश में विकास की योजनाओं पर अंकुश लगाया गया और फिर उसको राजकोषीय घाटे को संतुलन बनाने का एक शरारतपूर्ण प्रयास भी इस दौरान हुआ है। तो चलिए, योगी आदित्यनाथ के ही उत्तर प्रदेश में अब आपको लिए चलते हैं बनारस की खबर की तरफ, क्योंकि बनारस तो खैर देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। अब नया विवाद क्या है, वो ये है कि 22 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं वाराणसी। वो एक संवाद वहां पर महिलाओं के साथ करेंगे। जो नया विवाद है वो इस बात पर है कि स्थानीय प्रशासन ने दरअसल एक चिट्ठी के जरिए मदरसों को कहा है कि वो 20 से 25 महिलाओं को उस संवाद के लिए लाए। अब विवाद ये खड़ा हो रहा है, मदरसा एसोसिएशन कह रहा है कि हम ऐसा क्यों करें, मदरसे का महिलाओं से क्या लेना देना, हम क्यों मुस्लिम महिलाओं को वहां पर लेकर आए। तो ये पूरा विवाद अब शुरू हो गया है कि क्या प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम के लिए मदरसों पर स्थानीय प्रशासन दबाव डाल रहा है कि वो महिलाओं को लेकर आए उस फंक्शन के लिए। आइए देखते हैं इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। प्रबंधक प्रधानाचार्य, समस्त अनुदानित गैर अनुदानित मदरसा वाराणसी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 22 सितंबर 2017 DLW के ऑडिटोरियम हॉल में अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ संवाद का कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसमें 700 महिलाओं की बैठने की व्यवस्था है। अतः उस दिन अल्पसंख्यक महिलाओं को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचाने का उत्तरदायित्व आपको दिया जा रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने मदरसे अथवा आपके संभ्रांत कम से कम 25-25 महिलाओं को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचाएं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वाराणसी।
शुद्ध क्लिष्ट हिंदी में। तो ये एक दिलचस्प जंग भिड़ गई है, लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग है कि जिस ऑफिसर ने ये चिट्ठी लिखी थी वो कह रहा है कि टाइपिंग एरर है, और मोहसिन रजा जो दरअसल अल्पसंख्यक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो कह रहे हैं इसमें क्या हर्ज है। हाँ तो बुलाने में हर्ज है भी क्या, अगर बुला लिया आपने तो आप संवाद के लिए ही बुला रहे हैं। पहले मोहसिन रजा को सुन लेते हैं फिर इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वाकई अगर 20-25 औरतों को हर मदरसे की तरफ से बुलाया जा रहा है, परेशानी क्यों है। ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में मुस्लिम महिलाओं से संवाद करेंगे, मगर इसके पहले ही एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। मदरसा बोर्ड से जुड़े कुछ एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मोहसिन रजा जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। मुझे लगता है कि अगर हम आह्वान कर दें कि तमाम मुस्लिम समाज की महिलाएं और माननीय प्रधानमंत्री उनसे संवाद करना चाहते हैं तो ये तो बड़े गर्व की बात है, बड़े फख्र की बात है। और मैं तो खुद आह्वान कर रहा हूं आपके चैनल से कि लोग जाएं, अगर प्रधानमंत्री संवाद करना चाहते हैं तो इससे अच्छा अवसर हमारे मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए क्या हो सकता है कि देश का प्रधानमंत्री खुद उनके साथ बैठकर संवाद करेगा, उनसे जानना चाहेगा कि आपकी जो समस्याएं हैं वो आप बताइए और जिन समस्याओं का समाधान सरकार कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं और क्या बेहतर किया जा सकता है। इसके विरोध के बारे में क्या करें, क्योंकि लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, अब जिन्होंने आपने कहा कि वो तुगलक ही फरमान की बात करते हैं, तो तुगलक कौन था? तो ये तुगलक की सोच के लोग हैं, ये खुद ही तुगलक की सोच के लोग हैं। इनको अपनी सोच को बदलना होगा, पॉजिटिव करना होगा, इनको अच्छी सोच पर जाना होगा। अब ये सब अपनी धर्म की ठेकेदारी बंद करें, एक अच्छे समाज में एक अच्छा माहौल और बदल रहा भारत जो है, बदलते भारत में और अग्रसर होते हुए भारत में वो सहयोग करें और निर्माण कार्य में आगे आए। तो अन्ना, वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है। मोहसिन रजा भी कह रहे हैं क्या वाकई ये तुगलक ही फरमान है, क्योंकि ये एक आधिकारिक कार्यक्रम है, उनकी पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, महिलाओं को बुलाया जा रहा है, तो आखिरकार इतना बखेड़ा क्यों? महिलाओं के बुलाने पर आपत्ति है, प्रधानमंत्री के वहां कार्यक्रम करने पर आपत्ति है, क्या है ये पूरा हल्ला बोल में आज पूरी बहस होगी, दोनों तरफ के लोग होंगे, क्योंकि मदरसा जो एसोसिएशन है वो इसका विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि देखिए, मदरसे में बच्चे पढ़ने आते हैं और पुरुष होते हैं, तो वो कह रहे हैं हम कहाँ से महिलाओं को लाएं, मतलब उनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इसलिए शायद उनका ऑपोजिशन है। पर महिलाएं भी कह रही हैं कि क्या पीएम से वो दूर रखना चाहते हैं मुस्लिम महिलाओं को। चलो दिलचस्प होगा फिर आज हल्ला बोल देखना, बिल्कुल क्या रहेगा। शाम 6 बजे का इंतजार इसी सब्जेक्ट पर। बिल्कुल, और आज ये हम चर्चा का विषय देखेंगे अंजना के डिबेट शो में, लेकिन बात रोहिंग्या मुसलमानों की करेंगे, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि वो देश विरोधी जितनी भी चीज़ें हैं उसमें लिप्त हैं। कहा जा रहा है कि कई उनके ऐसे टेरर लिंक्स से संपर्क है, और साथ ही रोहिंग्या मुसलमान कई ऐसी चीज़ों को अंजाम दे सकते हैं जो सुरक्षा के लिए खतरा है। आइए आपको बताते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों पर केंद्र के हलफनामे की बड़ी बातें क्या है। तो रोहिंग्या के पाक आतंकियों से संपर्क की बात जैसा कि हम बता रहे थे कि कही गई है, और केंद्र सरकार ने यह कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो खतरा है, इसलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि उनको यहां से बाहर भेजा जाए। अवैध रोहिंग्या जो भारत में रह रहे हैं उन्हें यहां पर रहने की इजाजत ना दी जाए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार ने यह कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान पिछले कई साल से यहीं रह रहे हैं, 40,000 अवैध रोहिंग्या मुसलमान हैं जिनके पास संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज नहीं है, उन्हें भारत से जाना चाहिए। रोहिंग्या नॉर्थ ईस्ट की स्थिति और ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं, साथ ही वो बौद्ध नागरिकों के लिए हिंसा कदम भी उठा सकते हैं, हवाला मानव तस्करी जैसे देश विरोधी गतिविधियों में वो शामिल हैं, ये भी केंद्र की ओर से कहा गया है। क्योंकि पूछा गया था सरकार से कि किस आधार पर, ये बहुत एक मानवीय पक्ष उसका रखा जाता है और दूसरा सीधा इस मामले पर आ जाता है कि सुविधा संसाधन ऐसी चीजें क्या हमारे पास इतनी हैं कि शेयर कर सकती है देश की जनता उनसे, इसमें सुरक्षा का भी एक पेज जुड़ गया है। वैसे होम मिनिस्ट्री को जो भी एफिडेविट फाइल करनी थी वह एफिडेविट के बारे में आप सबको जानकारी है, अब जो भी फैसला होना है वह कोर्ट के द्वारा फैसला होना है। मैं समझता हूं कि हम सबको कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए। देखिए, पार्टी का राइट जब होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी कुछ हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप है, दाएं हाथ को ये नहीं पता कि दूसरे हाथ क्या कर रहे हैं। एक तरफ तो रिलीफ मटीरियल एडैश कर रहे हैं, दूसरी तरफ लॉ मिनिस्ट्री एफिडेविट फाइल कर रहे हैं, एंटी नेशनल कह रहे हैं। इनको ये चाहते क्या है, राजनीति करने चाहते हैं कि मुसलमानों को प्लीज करने के लिए एक तरफ, दूसरी तरफ हिंदुत्व का लाइन कि भाई ये एंटी नेशनल है।
अब तैयार करिए, आपको देश चलाना है कि पॉलिसी ऐसे करना है, इलेक्शन लड़ना है, देश नहीं चला सकते हो ऐसे। पर अंजना ये यूटर्न नहीं हो गया, आप देखिए पिछले थर्सडे ही जब गवर्नमेंट ने बोला था कि हमारा हलकनामा इनकम्प्लीट है, आज बोल रहे हैं कम्प्लीट है। हाँ, यही है बिल्कुल अचानक, मतलब अब ज्यादा स्पष्टता के साथ खुलकर वो ये कह रहे हैं। अच्छा यहाँ तो स्टैंड लिया लेकिन बांग्लादेश में मदद के लिए सामग्री भी भेजी जा रही है। हाँ, सवाल इस पर भी वही रुक जाए, यहाँ ना आए, सही बात करना पड़ेगा आगे और तस्वीर क्या साफ होती है। बहरहाल रुक करते हैं अगली खबर का। आज बड़ी खबर अमित शाह को लेकर भी आई क्योंकि आज गवाह के तौर पर वो एसआईटी कोर्ट में पेश हुए। माया कोडनानी जो मंत्री थी उस वक्त गुजरात सरकार में, आरोप उनके ऊपर थे लेकिन उन्होंने कहा कि उस वक्त उस दिन वो अमित शाह के साथ विधानसभा में मौजूद थी, चाहे तो उनकी गवाही ले ले। और इसी मसले को लेकर गवाही आज अमित शाह ने कोर्ट में दी। क्या उन्होंने कहा, कोर्ट में क्या तस्वीर निकल कर आई, देखिए। सुबह आप कहाँ गए थे? 28 को मैं अपने घर से विधानसभा जाने के लिए सुबह 7:15 बजे निकला था। सवेरे 8:30 बजे सदन का टाइम था, मैं अपनी गाड़ी से गया था। अध्यक्ष के साथ सभी विधानसभा के अंदर मौजूद थे। गोधरा ट्रेन कांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई थी। क्या माया कुडनानी वहाँ मौजूद थी? माया कुडनानी विधानसभा में हाजिर थी। शोला सिविल अस्पताल क्यों गए थे? मेरे पास कई कॉल आए थे जिसकी वजह से विधानसभा से शोला सिविल अस्पताल गया था। सुबह 9:30 से 10:30 के बीच में पहुंचा था। आप फिर कहां गए थे? पोस्टमार्टम हुआ था, वहां गया था। जहां पर डेड बॉडी की शिनाख्त हो रही थी वहां गया, उसके बाद कार्यकर्ताओं से मिला था। वहां कितने लोग मौजूद थे? माया कुडनानी वहां मिली थी, लोगों में काफी आक्रोश था। माया को कितने वक्त तक सिविल अस्पताल में देखा था? बाहर बड़ा टोला था इसलिए पुलिस मुझे कॉर्डन कर अपने साथ ले गई थी। मुझे और माया बेन को पुलिस अपनी जीप में बिठाकर मेरी गाड़ी तक ले गई थी। समय क्या हो रहा था? सुबह 11 से 11:15 के बीच। क्या आप और माया बेन राजनीतिक दल में एक साथ काम करते थे? हाँ। शोला से कहाँ गए? याद नहीं है लेकिन वहां से गोता सर्कल उतरा था और माया बेन पुलिस जीप में थी। माया बेन वहां से कहां गई मुझे पता नहीं है। मैं शोला अस्पताल से घर गया था। माया बेन शोला सिविल अस्पताल में आपके साथ थी, ये मानते हैं? हाँ। माया बेन आपके दल में है, क्या इसीलिए बचाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पांच का पंच देख रहे हैं आप। 10 दिन बाद प्रद्युम्न की हत्या के आज रियान इंटरनेशनल स्कूल खुला तो लेकिन वहां पर सब कुछ पहले जैसा नहीं है। वहां पर बच्चे तो पहुंच रहे हैं लेकिन उनके जहन में खौफ और दहशत है क्योंकि स्कूल में मौजूद है प्रद्युम्न की हत्या के निशान और यही डर सता रहा है उनके पिता को भी, जो कह रहे हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। जो सबूत है वो वैसे ही रहे, इसके लिए जरूरी था कि स्कूल को बंद रखा जाए और अभी भी कई ऐसे अभिभावक हैं जो नहीं चाहते कि उनके बच्चे इस स्कूल में अब पढ़ें। तो रियान इंटरनेशनल की स्कूल बस में हम हैं और आज करीब 10 दिन के बाद प्रद्युम्न की हत्या के तकरीबन 10 दिन के बाद ये स्कूल्स वापस खुल रहे हैं। बच्चे थोड़े कम आ रहे हैं आज बस के अंदर, स्कूल में भी कम बच्चे आ रहे हैं। हमारे साथ एक बालक यहाँ पर बैठा हुआ है, आपका नाम क्या है बेटा? सर तुषार यादव। तुषार, जो कुछ भी हुआ आपको पता होगा, प्रद्युम्न के साथ जो कुछ भी हुआ, आज उसके बाद फर्स्ट डे स्कूल्स खुल रहे हैं, आपके मन में क्या इमोशन है? सैडनेस का, फियर का, एंगर का, क्या इमोशन है अभी? सर दोनों, सैडनेस एंड फियर। एंगर भी है? यस सर। क्यों, वजह बताओ। सर क्योंकि स्टाफ एंड सब वो एक वॉशरूम यूज कर रहे थे जबकि अलग अलग होना चाहिए, तो उसके अंदर कंडक्टर कैसे आ गए, सब कुछ कैसे हो गया। तो आप जो स्कूल भेज रहे हैं आपके मन में भी थोड़ा डर है, फियर है? हाँ पूरा डर है, अभी मैं खुद जाऊंगा, अभी स्कूल चेक करूंगा जाके क्या है क्या नहीं। हाँ मैं खुद जाके चेक करूंगा अभी जब जाके। आपको पता होगा आज स्कूल पहली बार खुल रहे हैं, वो जो एपिसोड हुआ सबसे सैड और पूरे देश को हिला देने वाला, हमारे क्लास चलने तो हमारे वो डिस्टर्ब हो गया मतलब थोड़ा सा। आपके मन में आज क्या इमोशन है? आपके मन में एंगर है, फियर है या सैडनेस है? क्या इमोशन सबसे ज्यादा है आपके मन में अभी? आज मतलब ऐसा लग, जो गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है उससे ऐसा लग रहा है कि अभी ठीक चलेगा स्कूल, ठीक चलेगा। तो बच्चों के मन में जो भावनाएं वो आपने देखी, बहुत मुश्किल वक्त यकीनन ये, क्योंकि एक सदमे से आप गुजरे हैं, आपने अपने सहपाठी को इस तरह से कत्ल होते
उसकी खबरें सुनी है, उसके बारे में सुना और आज आपको स्कूल जाना था, अंदाजा लगाइए बच्चों के मन में क्या चल रहा होगा। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि आखिरकार ऐसा लग रहा है कि अब हनीप्रीत का सुराग लग गया है, उसका उसकी उस पर एक बहुत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है हमारी, नेपाल तक जाता है क्या हनीप्रीत का रास्ता, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए पांच का पांच। देशद्रोह के आरोपी हनीप्रीत के पीछे पुलिस लगी हुई है और एक एक करके उसके तमाम सुराग से पहले प्रीति पता चला था कि कहीं राजस्थान में तो नहीं है, तो अभी अंजना देखने में आया है जो हमारे संवाददाता हैं शिवेंद्र, वो गए नेपाल, उन्होंने वहां पर देखा कि हनीप्रीत जिस पे देशद्रोह का आरोप है उसके पोस्टर लगे हुए हैं, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पंचकुला से लेकर सिरसा तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, हरियाणा पुलिस अपने हाथ में हनीप्रीत की तस्वीरें लेकर जर्रे जर्रे की खाक छानती रही, लुकआउट नोटिस लेकर घूमती रही और हनीप्रीत सबकी आंखों के सामने हिंदुस्तान से फुर हो गई। जी हां, और उसी रास्ते से फुर हुई जिस रास्ते से उसके निकल भागने की आशंका सबसे ज्यादा थी। आज तक के सूत्रों ने न सिर्फ हनीप्रीत के बिहार बॉर्डर से नेपाल भागने की पुष्टि की है बल्कि ये भी बताया है कि किस तरह अपनी मर्सिडीज कार में बॉर्डर तक आने के बाद उसने सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए एक अलसाए से गांव का रास्ता चुना और भारत से नेपाल चली गई। ये वो रास्ता है जो रक्सौल से होता हुआ नेपाल की तरफ जाता है और इसी रास्ते से जानकारी के मुताबिक हनीप्रीत ने नेपाल में पनाह लेने की कोशिश की। जानकारी ये भी कहती है कि अब वो वहाँ नेपाल से भी भागने की फिराक में है और एजेंसीज की कोशिश है कि इससे पहले कि हनीप्रीत नेपाल से फरार हो उसको वहाँ पर धर दबोचा जाए। बल्कि उसे लेकर लुकआउट नोटिस जारी किए जाने के बाद सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि यूपी के नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी की गई थी। पुलिस हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ले रही थी लेकिन इसके बावजूद वो हनीप्रीत को फरार होने से नहीं रोक सकी। कोई मुलाकात भी मुलाकात तक बाबा जी नहीं जान देते थे। हनीप्रीत हुण डरदी सौ पेश बदल दिए, बाल भी कटवा सकती है, कुछ भी कर सकती है, पेश बदलने की खातर बचने की खातर कुछ भी कर सकती। मतलब अपने बचने के लिए वो ड्रेस बाल कटवा सकती है, भेष बदल सकती है। हाँ जी, नेपाल में भी राम रहीम के चाहने वालों की एक अच्छी तादाद है, खासकर वहां आए भूकंप के बाद डेरा सच्चा सौदा की ओर से चलाए गए राहत कार्यों की वजह से वहां भी लोग राम रहीम को मानते हैं। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि हनीप्रीत राम रहीम के ही ऐसे किसी चाहने वाले के यहां फिलहाल छुपी बैठी हो। शिवेंद्र श्रीवास्तव, भारत नेपाल सीमा, आज तक। तो हमारे संवाददाता नेपाल तक पहुंचे और उन्होंने जानने की कोशिश की कि आखिर जो खबरें लगातार आ रही हैं कि नेपाल भाग गया हनीप्रीत उसमें कितनी सच्चाई और क्या वहां पर उनको निशान मिले, पोस्टर देखने को मिले। लेकिन 45 ऐसे लोग हैं जो पुलिस के लिए अभी मोस्ट वांटेड हैं, इसमें हनीप्रीत का नाम पहले नंबर पर है जबकि आदित्य इंसा जो मैनेजर भी था वहां पर उसका नाम दूसरे नंबर पर है। ये लोग कहां है किसी को कुछ नहीं पता। ये मोस्ट वांटेड लोग आप देख रहे हैं, 43 ऐसे लोग, और इनके ऊपर आरोप ये है कि जब बाबा को सलाखों के पीछे भेज दिया गया उसके बाद हरियाणा पंजाब में जो खूनी खेल खेला गया, 5 करोड़ रुपए तक जिसके लिए ऑफर किए गए दंगे भड़काने के लिए, इनका उसमें योगदान था। श्वेता, अब मीनाक्षी, पर ये तो अब बिल्कुल सच्चाई की बात की, पर एक और बात जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इस वक्त वो है कि हनीप्रीत और उनके जो पिताजी हैं इसमें गुरमीत सिंह का एक पिता और बेटी का रिश्ता नहीं था। हम एक चश्मदीद से मिले, सहेली थी जो हनीप्रीत की और उसने पूरा चिट्ठा खोला बाप और बेटी की कलंक कथा का। राम रहीम हनीप्रीत के गंदे रिश्तों की चश्मदीद। हनीप्रीत की सहेली ने खोली राम रहीम की कलंक। तेनी सी कोले हुण उन्हां दे दो बेटियां सी, ओह नहीं कदे भी एवें आईयां सीगियां, इन्ने ए बेटी इन्ना थोड़ू कोले रहिंदी हुंदी सी, वी इक बैड ती बेटी पैंदी सीगी। मतलब एक बैड पे सोंते थे दोनों। हां जी, आपसी रिश्तों को कलंकित करने के साथ ही राम रहीम के लिए लड़कियों का भी इंतजाम हनीप्रीत ही करती थी। हनीप्रीत जी बाबा जी कह दिंदा सी भी जदों कुड़ी उत्थे संगत लगदी सीगी तां बाबा जी अख भी रख लैंदा सी कुड़ियां ते भी हाँ वह कुड़ी ओह हुंदी हैगी, तां हनीप्रीत भी कुड़ियां नूं कह दिंदी भी सानूं बाबा जी ने जाम भी सानूं माफ़ी देनी हैगी हुण, ते वह कुछ उन्हां नूं नहीं पता हुंदा सी तां वह भग जांदियां सी, जिन्हां नूं पता सी जी वह बोलदियां नहीं सी। डेरे में 10 साल बिताने वाली हनीप्रीत की इस सहेली ने आज तक के कैमरे पर किए कई सनसनीखेज खुलासे।
इसने बताया कि राम रहीम डेरे की जिस साध्वी को पसंद करता था, हनीप्रीत उसे माफी दिलाने के नाम पर गुफा में बुलाती थी। माफी देने दे हुण जी जाम प्या दिंदे सीगे हुण कुड़ियां नूं, मैनूं भी कई बार कहा हनीप्रीत ने, मैनूं तां पता सी जी वी की जाम हुंदा की माफी हुंदी है, जिन्हां नूं नहीं पता सी जी ओह भग जांदियां सी, जिन्हां नूं पता सी जी ओह जांदियां नहीं सी। जाम जी गुलाबी जे रंग दा जाम हुंदा सी जी, जदों दे दिंदे सी वी कुड़ी अपने आप बाबा जी ते फिदा हो जांदी सीगी, ते वी बस कुड़ी नूं कहण दी लोड़ नहीं हुंदी सी वी कुछ वी, ते बाबा जी एक एक करके लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन दरअसल उन साध्वियों के बारे में कहना होगा जो उनके इतने रसूख वाला रहने के बावजूद उस वक्त सामने आई थी और सारी बातें उन्होंने कही थी, क्योंकि अब तो जो जज हैं उन्हें भी सुरक्षा देनी पड़ रही है। जगजीत सिंह है सीबीआई के जज, दो मर्डर केस में भी सुनवाई दरअसल होनी है, उसमें फैसला उन्हें सुनाना है, और उससे पहले उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी गई है जज को। इसके साथ ही उन्हें बता दिया गया है कि जो 45 सुरक्षाकर्मी दिए जा रहे थे 60 उनकी संख्या कर दी गई है। दरअसल ये तैयारी इसलिए भी की गई है क्योंकि जब दंगे हुए थे तो बड़े पैमाने पर वहां पर पैसा और हथियार पहुंचाया गया था, उस दिन भी ये आशंका थी कि जज पर हमला हो सकता है क्योंकि एक बड़ा फैसला एक ऐसे राम रहीम के खिलाफ जिनके करोड़ों में भक्त और समर्थक है। लेकिन नया आपको पता है इस बीच हनीप्रीत का, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, सपने उसके ये थे कि वो बॉलीवुड में छा जाए, अक्षय कुमार सलमान खान के साथ फिल्में करे, और चाहती थी कि लुक उसका कैटरीना जैसा हो। बस उनका यही था, मुझे फिट रहना है, मुझे जीरो फिगर चाहिए, कैटरीना की तरह दिखना है मुझे, और बेबी डॉल तो मैं हुई। खुद को बेबी डॉल कहने वाली हनीप्रीत के ख्वाब सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, लेकिन राम रहीम के पाखंड और अकूत दौलत के दम पर हनीप्रीत के सपने बॉलीवुड के आसमान तक उड़ान भर रहे थे। मकसद उनका यही था, अभी मैं जीरो फिगर चाहती हूँ, अपनी पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलपमेंट करना चाहती हूँ। हनीप्रीत की एक्सक्लूसिव जिम ट्रेनर ने किया है खुलासा कि हनीप्रीत कैटरीना कैफ जैसा साइज जीरो फिगर पाने को बेताब थी। हाँ, कैटरीना का फिगर बोला उन्होंने, कैटरीना जैसा फिगर चाहिए मुझे, और कमली कमली वाले सॉन्ग पे मुझे डांस प्रॉपर वैसा ही सीखना है, और वैसे करते भी थे। हनीप्रीत के लिए राम रहीम ने सिरसा के डेरे में एक खास जिम बनवाया था जिसमें दुनिया की हर कीमती मशीनें थी, और खास तौर पर ट्रेनिंग के लिए इस महिला को ट्रेनर रखा गया था। हाँ जी, राम रहीम महाराज आते थे कभी कभी देखने के लिए आते थे और कहते बेटा सही कर रहे हो और अच्छे से करो। कैटरीना कैफ जैसी बनने के जुनून में हनीप्रीत ने जुम्बा की ट्रेनिंग की जिद की जिसमें एक्सरसाइज के साथ डांस भी होता है जो इस ट्रेनर को नहीं आता था, इसलिए 2 साल पहले इसका काम खत्म हो गया था। हनीप्रीत की सहेली ने भी बताया कि कैसे फतेहाबाद की रहने वाली गरीब घर की सीधी साधी हनीप्रीत राम रहीम के संपर्क में आकर हवा में उड़ने लगी। शुरू च आई सी जी सिंपल थी, बाद में तो मॉडल बन गई जी फिल्मा च, बाबा जी नू, बाबा जी नहीं पहला था, बाबा जी कले कुड़ते पजामे च रहंदे सी। हनीप्रीत के ख्वाब उसकी काली करतूतों का राज फाश होते ही चकनाचूर हो गए, और अब कानून की आंखों से छिपती फिर रही है हनीप्रीत। मनोज सांगवान के साथ सतिंदर चौहान, आज तक।